त्रिपुरायाव गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव 15 सुबुंफोरनि जिउ खहा। राजथावनि आगरतलाजों लोगोसे खोला त्रिपुरायाव गोबां दै लोमसावनायजों लामा दालां गोबां न' बांफोरजों लोगोसे माइ फोथार धोन सम्पदफ्रा सिलिंखार जादों। थांनाय 18 आगस्ट रबिबार हरनि खालारनिफ्राय गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव त्रिपुरा रायजोनि राजथावनि आगरतलाजों लोगोसे खोला त्रिपुरा जिल्लायाव गोबां खहा जायो। दिनैसिम हानाय अखानि जाहोनाव आगरतलानि खाथि खाला गोबां वार्डफोराव न' बां दैया लोमसावनायाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायाव सुबुंनि जिउनि राहाया गोब्राब जायो। लोगोसेनो हाजोनि हा गुगानानै थांनाय हरनि समाव खोला त्रिपुरानि सान्थिर बाजारनि गार्डन मुंनि गामियाव न'खरनैनि सास्नि सुबुंनि दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। लोगोसेनो हाजोनि हा गुगानानै थांनाय हरनि समाव खोला त्रिपुरानि सान्थिर बाजारनि गार्डन मुंनि गामियाव न'खरनैनि सास्नि सुबुंनि दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। 4 सान थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव माखासे जाब्रबथायजों सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाया सरकारा फोसावनाय बादिब्ला गासै 15 जाबाय। मख'नो गोनांदि देग्लायनि दैबाना लोमसावनाया बयनिख्रुइबो सुबुं जिउजों लोगोसे धोन सम्पदफ्रा गोबांसिन खहा खालामदों होन्ना सुलुंनि खौरांगिरिया फोरमायहरदों। दासिम सरकारा गोबां जायगायाव रायजो राजाफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव थाहोनायनि राहा खालामना होदों। त्रिपुरा सरकारा दैजों खहा जाजानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो गासै 183 रिलिफ केम्प बानायना होदों। बिनिनो सोनाब त्रिपुरायाव गं 24, गुमटी जिल्लायाव गं 68, खोला त्रिपुरायाव गं 30 आरो गं 39 रिलिफ केम्पा कवाय जिल्लायाव बानायनाय जादों आरो आजार थानायखौ गंब्रै जिल्लायाव गंफाय बानायनाय जादों होन्ना मिथिनो मोन्दों। बेयाव रायजोनि गासै 5,607 न'खरा दै बानानि सारनायाव खहाना जानांदों। मख'जायदि त्रिपुरा रायजोनि गिबि मन्त्री डक्टर मानिक साहाया रायजोनि गासै जिल्ला बेंगिरि आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ खहा जानाय थावनिफोराव गोनां जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौ मदद होनो बिथोन हरनायनि खौरां मोननाय जादों। दो दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जो 48 आवर्स में 19 अगस्त और आज 20 अगस्त में जो रात में बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगह स्टेट के कई हिस्सों में फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है। और सिग्निफिकेंटली जो है जो बारिश है जो बोकाफा में करीब 375.8 मिलीमीटर की, बिलोनिया में 324.4 मिलीमीटर की, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और अमरपुर में 307.1 मिलीमीटर का गोमती डिस्ट्रिक्ट में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से रिवर का जो लेवल्स हैं वो बढ़ गए हैं और फ्लड जैसी सिचुएशन हो रही है। आज भी 4 बजे तक करीब 4 रिवर जो हावड़ा धलाई मोरी और खोई में वो डेंजर लेवल पे क्लोज टू डेंजर लेवल एबव क्रिटिकल लेवल पे फ्लो कर रही है। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को पता होगा शायद कि वो दिल्ली गए हुए हैं, बट वो रेगुलरली लगभग 1 घंटे में सिचुएशन की रिपोर्ट ले रहे हैं और आज जब शाम को वापस दिल्ली से आ जाएंगे तो करीब 8 बजे वो एक वीडियो मीटिंग भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक टोटल स्टेट में 183 रिलीफ कैंप्स खोल दिए हैं जिसमें 5,607 अफेक्टेड फैमिलीज को रखा गया है और उनको जो भी सुविधाएं जरूरत है जैसे और मेडिकल सुविधाएं वो सब दी जा रही हैं। उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कैंप्स हैं जिसमें से 24 हैं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, 68 रिलीफ कैंप्स हैं गोमती डिस्ट्रिक्ट में, 38 रिलीफ कैंप्स हैं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में एंड 39 रिलीफ कैंप्स हैं खोई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर, और बाकी जो कैंप्स हैं वो बाकी रिमेनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन जो प्रशासन है वो जो भी जरूरत है उसके हिसाब से मतलब मैंने जैसे बताया कि काम कर रहा है, फूड दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सुविधा जो भी रिलीफ कैंप्स में जरूरत है दी जा रही है और सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साथ में स्टेट लेवल पे मैं हूँ जैसे सेक्रेटरी रेवेन्यू और इवन चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल सीएम इज नॉट रेगुलरली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। SDM और ऑफिसर्स हैं जो लाइन डिपार्टमेंट के जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, वाटर रिसोर्सेज, पावर डिपार्टमेंट से, रोड एंड बिल्डिंग विभाग से, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सब को हमने लगा रखा है और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं कि जैसे फ्लड की जो सिचुएशन है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और कैसे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जाए। इसमें एक बोलूँगा चूँकि हैवी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड इस बार बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से कुछ फैमिलीज भी मतलब कुछ कैजुअलिटीज भी हुई,
रास्ते बहुत सारे रास्ते ब्लॉक में और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर पीडब्ल्यूडी की टीम और एनएचआईसीएल की टीम उनको रास्तों को क्लियर करती जा रही, बट उसके बाद भी चूंकि दो दिन से बारिश हुई है तो सॉयल बहुत वेट हो जाती, गीली हो जाती है, उसकी वजह से बिल्कुल लैंडस्लाइड हो रही, इससे हमारा इनफैक्ट रिलीफ ऑपरेशन भी कहीं कहीं अफेक्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर 7 persons have lost their life, 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से खोई में 1 है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 5 हैं, गुमती में 1 है, इसके साथ 2 persons जो है रिपोर्टेडली मिसिंग है, 1 खोई में है और 1 गुमती डिस्ट्रिक्ट में। प्रशासन की तरफ से लगभग 200 टीम्स जो है, जो SDRF है, NDRF है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, आपदा मित्र वॉलंटियर्स है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज है, फॉरेस्ट, TSCL, PWD वाटर रिसोर्सेज, PWD RNB, एग्रीकल्चर अदर लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 200 टीमों को ऑलरेडी ऑपरेशन में है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नीड जहाँ भी जैसा भी होता है ऑलरेडी राउंड द क्लॉक कर काम कर रही हैं। और पिछले ये सारे बहुत सारी टीम्स ने पिछले 24 घंटे में मैं बोलूँगा बहुत काम किया, रात में बहुत ज़्यादा काम किया, आज भी नॉन स्टॉप लोग काम फील्ड पे लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए, लैंडस्लाइड जहाँ हुई वहाँ रोड क्लियर किया जाए, जहाँ पावर लाइन खराब हुई वहाँ स्टोर किया जाए, ये चल रहा है। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो IMD ने अभी जो फोरकास्ट दिया है उन्होंने बोला है, चूँकि आप जानते हैं एक्टिव मानसून का सीज़न है तो इसमें लगभग लाइट टू मॉडरेट यानी थोड़ा बहुत बारिश होने की अभी भी संभावना है, और उसकी वजह से साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी है और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ये सिचुएशन मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सब चीज़ अंडर कंट्रोल है, बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा है हम लोग उनको दूर करते जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं, जहाँ खाने जो खाना को पहुँचा रहे हैं, और प्रशासन पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ है। और मैं मेरी एक ही बस एडवाइस होगी कि इसमें कोई डरने की बात नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आप सब लोगों की सहयोग की तरफ से और पब्लिक का जो सहयोग मिलता रहेगा तो अगर हम पेशेंटली काम करेंगे तो इस सिचुएशन को लेकर क्राइसिस की तरह आई है उसको जरूर। थैंक यू सर। ছিল এখানে গতকাল রাতে প্রায় 11টা 11:30 নাগাদ প্রবল বর্ষণে ভূমি ধসে পড়ে, ওই ভূমির ধসে এখানে প্রায় 2 পরিবারের 7 জন মৃত। আজকে সকাল থেকে এলাকার অনেক লোক বিভিন্ন রকমের চেষ্টা করে কোনো রকম 6টা লাশ পাওয়া গেছে, এখন আরেকটা লাশ পাওয়া গেছে না, ওটার লেগে এখন তল্লাশি অনেক চেষ্টা করতেছে ওই এই লাশটা বের করার জন্য। এর মধ্যে প্রশাসনিক তরফ থেকেও এসে এখন সাহায্য সহযোগিতা করতেছে। আমি আরও আবেদন করব সবাই যাতে এই মর্মান্তিক ঘটনায় সাহায্য যাতে করে, ওই পরিবার দিকে একটু নজর দেন, আমি এই আবেদনটুকু রাখছি। এই পাড়াটার নাম কি? পাড়াটার নাম হইল গাটাংজীবী আন্ডার অস্মৃতিপুর পাড়া। এই পরিবারের মধ্যে এই পরিবারের জীবিত আরও আছে, এক পরিবারের 3 জন, আরেক পরিবারে 7 জন। তার আগে এখানে আসিল না রাত্রেবেলা? রাত্রেবেলা আগের দিনে আসলো যে পরিবার, এটা শরণার্থী হিসেবে আমরা এখানে স্কুলে শিফট করা হয়েছে। এখন বাকি যে 2 পরিবার হেরা মোটামুটি এখানে রয়েছে, এরপরে যে 3 জন বেঁচে রয়েছে ওনারাও অনেক ইঞ্জুর। তারাও কি ঘরে আসিল? তারাও ঘরে আসিল, কোনো রকমভাবে তারা ওই থেকে বের হয়ে আরেক জায়গায় পালিয়ে যায় আর কি। এখানে টোটাল কত পরিবার আছে? টোটাল যে 2 পরিবার পুরা পুরা এই পাড়াতে কত পরিবার? 4 পরিবার। 4 পরিবার।